नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना पर हमारा खास कार्यक्रम लगातार जारी है। इस समय जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में भी हम बता देते हैं, क्योंकि अब हम जरा टेस्टिंग की बात करने वाले हैं। आरटीपीसीआर के टेस्ट क्या संक्रमण को सही रूप से पकड़ नहीं पा रहे? अगर आरटीपीसीआर नहीं तो आपको क्या टेस्ट करा सकते हैं? जब तक टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ रहा है तब तक आप क्या कर सकते हैं? और इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले कोरोना की रफ्तार जो कि थम नहीं रही है, संख्या इतनी ज्यादा है कि मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन के लिए मारामारी बढ़ गई है। हम देश के टॉप डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अस्पताल जाने की जरूरत कब पड़ती है, या कई और सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं। जिस ऑक्सीजन पर आपकी हमारी सबकी जिंदगी की आस टिकी है, ये नकारा सिस्टम उसका इंतजाम करने में भी नाकाम है। 1000 रुपया रोज दे रहे सरकार, हमारी बहन हिंद हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, वो नहीं गाड़ी खड़ी कर दे, भूखे प्यासे पड़े थे। लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, ऑक्सीजन गाड़ी से वहाँ पे पुलिस प्रशासन हम लोगों को जाने कैसे रोक रोक के पूरा दिन हो गया हमको आते आते। उस सोचो मैं तो शायद हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो कुछ कर लो, ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा। रोडों पे हाथ जोड़ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, 20-25 सिलेंडर दिलवाए जाएं, कम से कम हम लोगों की जान बचा सकें। 3 दिन हो गए हैं, दिल्ली हो, लखनऊ हो या अमृतसर, ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही मची है। मरीज मिन्नतें कर रहे हैं, रिश्तेदार रो रो कर बेहाल हो रहे हैं, अस्पताल प्रशासन गुहार लगाते लगाते हार चुके हैं, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। लानत है कि देश की राजधानी में सत्ताधीशों की नाक के नीचे ऑक्सीजन ना मिलने से लोग दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के प्रबंधक साफ साफ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने से 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कि आपके यहाँ फिलहाल ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? और सर, आधे घंटे की ऑक्सीजन है और इस दौरान में हमें सारा एग्जॉस्ट हो गया, अपने गैस सिलेंडर चलाए हमने आईसीयू में, क्रिटिकल एरिया में तकरीबन 20 लोगों की मौत भी हो गई। आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई आपके अस्पताल? हाँ जी, हाँ जी, क्रिटिकल केयर में। वैसे वो पेशेंट वो सिक तो थे काफी, ये नहीं वो बचते ना बचते भगवान जानता, लेकिन उसमें ऑक्सीजन देने में हमारी कमी रहती। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की आंख मिचौली चल रही है। कहीं 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है तो कहीं घंटे भर का। दिल्ली के अस्पताल का हाल सुनिए। हमारे पास सुबह 7 बजे 1 घंटे की ऑक्सीजन थी, मात्र 1 घंटे की, वो भी 7 से 8 के बीच में खत्म हो गई थी। 7 से 8 के बीच में हमने बहुत कोशिश की सबसे मिलने के बाद, तो हमारे पास एक चारा था कि हम ऑक्सीजन जिनको बहुत ज्यादा नीड है तो हमने आईसीयू पेशेंट्स को देनी शुरू कर दिया है, बाकी पेशेंट को हम ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर अनंत मोहन, एचओडी एम्स, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हर्ष महाजन जो कि फाउंडर महाजन इमेजिंग के हैं, और डॉक्टर नवीन डैंग, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फाउंडर डॉक्टर डैंग स्लैब। आप सबका बहुत स्वागत है। डॉक्टर डैंग, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम टेस्ट्स की यहाँ पर अगर बात करें और लोग अधिकतर ये बातें कह रहे हैं और ये शिकायतें बहुत आ रही हैं कि उनको सिम्टम्स बहुत रहते हैं लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाता है, ये किस वजह से है? क्या इस नए म्यूटेंट को नहीं पकड़ पा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट? क्या सैंपलिंग सही ढंग से नहीं हुई होगी, या फिर जो व्यक्ति है उसे वाकई कोरोना नहीं है, कोई दूसरी बीमारी है? धन्यवाद आपके ये प्रश्न मेरे से पूछने के लिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सवाल मेरे पास भी बहुत बारी आ रहे हैं। जहां तक अभी तक ICMR, WHO, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने पता किया है और जो हमारे तक इंफॉर्मेशन है, जो अभी तक हमारी टेस्टिंग किट्स हैं, उनसे हम हर म्यूटेंट स्ट्रेन पकड़ पा रहे हैं, हम कोई भी म्यूटेंट स्ट्रेन मिस नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम म्यूटेंट स्ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं वो गलत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब लैब्स को
ये आदेश है कि 5% पॉजिटिव पेशेंट्स जो है हमारे पॉजिटिव सैंपल्स वो हम आगे सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं। उन्हीं में से देखा जाता है कि म्यूटेंट स्ट्रेन है कि नहीं है, जो अगर हमारे पॉजिटिव है जब भी आगे भेजे जा रहे हैं ना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव स्ट्रेन से ही हमें पता चल रहा है कि म्यूटेंट स्ट्रेन है कि नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि म्यूटेंट स्ट्रेन करंट किट्स जो हम यूज कर रहे हैं उससे नहीं पकड़े जा रहे हैं, उससे अवश्य ही पकड़े जा रहे हैं। नंबर टू, जो आपका ये कहना है कि सैंपल ठीक तरह से नहीं लिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो तो सिर्फ डिपेंड करता है जो सैंपल ले रहा है वो ठीक सब तरह से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। लेकिन एक और जो आवश्यक बात मैं आप कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा जल्दी अपना टेस्ट करवा रहे हैं। जैसे कि जानते हैं आप कि इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का 2 से लेकर 15 दिन तक है, विद अ मीडियन ऑफ अबाउट 5.8 डेज, यानी 6 दिन तक इसकी रिपोर्ट सबसे ज्यादा बेस्ट आ सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कई लोग जिनका कॉन्टैक्ट होता है किसी के किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ, इमीडिएटली आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा टेस्ट करिएगा, और हमारे मना करने पर भी वो इंसिस्ट करते हैं। और अगर उनका नेगेटिव आता है उसमें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें कोविड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट समय पर ही टेस्ट कराया जाना चाहिए और सैंपल बिल्कुल प्रॉपरली ही लिया जाना चाहिए। मुझे कई बार शिकायत आती है कि जो आपने आपके आदमी ने सैंपल लिया, टेक्नीशियन सैंपल लिया, उसे में दर्द हुई। मैं ये समझाना चाहूंगा जब अंदर जाता है स्वाब तो थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, वो आपको सहन करना आवश्यक है, उसके बाद ही सैंपल प्रोसेस किया जाता है। एंड इसीलिए जल्दी टेस्ट नहीं कराना, सैंपल ठीक तरह से कलेक्ट करना, ये तो आवश्यक चीजें हैं। और अगर कोविड नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। और जैसे बोला कि मीडियम टेस्ट टाइम बेस्ट टाइम इज 6 डेज ओनली। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट इज 70%, यानी कि सिर्फ 70% में ही ये पॉजिटिव आएगा। सेंसिटिविटी उतनी ही है, स्पेसिफिसिटी इज वेरी हाई, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, 95% के करीब है। लेकिन सेंसिटिविटी सिर्फ 70% होने करके कई बारी हम इसे मिस कर जाते हैं। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ द आरटीपीसीआर सिस्टम एज सच। इसमें ना ही लैब की गलती होती है, ना ही और के कारण होता है, ये सेंसिटिविटी ही इसके सिर्फ 70% के करीब। डॉक्टर हर्ष महाजन, कितना प्रेशर है आजकल लैब्स पर, क्योंकि लोगों को अपने टेस्ट्स के लिए बहुत बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। आमतौर पर शुरुआत में हमने देखा था कि जब 48 घंटे को किस तरीके से आप लोग धीरे 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 ऐसा हो गया था कि सेम डे भी हमें रिपोर्ट्स मिल जाते थे, लेकिन अभी अगर समय लग रहा है तो उसके पीछे क्या ये प्रेशर है जो बहुत सारे टेस्ट्स का आ रहा है लैब्स पर? श्वेता, ये अहम क्वेश्चन है और हर व्यक्ति ये पूछ रहा है। तो इसमें ये है कि जो कैपेसिटी है लैब्स की टेस्ट करने की वो सीमित है। एक लैब अगर 1000 टेस्ट कर सकती है एक दिन में, तो उसको वो थोड़ा तो बढ़ा सकती, 10% 20% एक शिफ्ट बढ़ाने से शायद 25% भी बढ़ा पाए, पर हम कहें कि वो डबल कर ले या ट्रिपल कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें मशीनें सीमित हैं। इसमें एक्सट्रैक्शन मशीनें होती हैं जो कि जो वायरस है उसको अलग करती हैं सैंपल से, फिर उसके बाद टेस्टिंग होती है जो आरटीपीसीआर मशीन है उसके अंदर, और वो भी अधिक से अधिक हम 96 सैंपल एक टाइम पे लगा पाते हैं। और इसके चलते अब हो क्या रहा है कि अगर मेरी लैब की कैपेसिटी 2000 टेस्ट की है एक दिन में, और मैं अगर 4000 सैंपल ले लूंगा तो वो गलत है। मैं जब 2000 सैंपल हो जाते हैं या 2100 सैंपल हो जाते हैं तब मैं सैंपल लेना बंद कर देता हूं, और क्योंकि वो ही मेरी कैपेसिटी है। अगर मैं ऐसे करूं तो आज के दिन भी 24 घंटे में रिपोर्ट आ रही है, हमारी लैब से सब रिपोर्टें 24 घंटे में जा रही हैं। पर अगर हम डबल ट्रिपल ले लेंगे सैंपल तो फिर तो डिले होना ही है। सो ये जनता को ये समझना चाहिए कि अगर कोई रिपोर्ट 24 घंटे में दे रहा है, चाहे वो अगले दिन आपको सैंपल देना पड़े, आप अगले दिन सैंपल दीजिए, पर आपको रिपोर्ट जल्दी मिलेगी बनिस्बत कि आज आप सैंपल दे दें और रिपोर्ट चौथे दिन या पांचवें दिन ना आए। ये एक बात रही। दूसरी बात ये है कि हमें जो डिमांड है उसको कम करना है,
कई लोग अननेसेसरी टेस्ट भी करा रहे हैं और वो उसी लाइन में लगे हुए हैं जिसमें वो लोग हैं जिन्हें बहुत जरूरत है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि अभी भी कुछ स्टेट्स हैं इंडिया की जो चाहती हैं कि अगर कोई स्टेट एंटर करे तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अब जब इतना बवाल मचा हुआ है, जबकि सिम्टोमैटिक लोगों को टेस्ट नहीं मिल रहा है, तब एटलीस्ट ये एक जो रिक्वायरमेंट है उसको तो हमें खत्म कर देना चाहिए ताकि सिम्टोमैटिक लोगों को टेस्ट मिल पाए। आगे बात, टेस्ट की जब आप रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को आइसोलेटेड रखिए। अगर आपको सिम्टम है तब भी, अगर आपको सिम्टम नहीं है तब भी, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए हैं जिसको कोविड है और ये अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट है और आपको भी लक्षण हो सकते हैं, तो अपने आप को आप अलग कर लीजिए। और डॉक्टर डैंग ने बड़े सही तरीके से बताया कि 5 दिन तक आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, 6ठे दिन टेस्ट कराइए, उससे पहले कराएंगे तो चांस ये है कि वो नेगेटिव आ जाएगा और फिर ये धारणा चलेगी कि ये म्यूटेंट वायरस आ गया इसलिए नेगेटिव आ रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, मतलब हर क्षेत्र की अपनी परेशानियां हैं वाकई। और ये बात आपने बहुत सही कही कि ट्रैवल के लिए अगर बिना सिम्टम वाले लोगों के लिए भी जरूरी है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उन लोगों के लिए जिन्हें सिम्टम्स हैं और जिन्हें टेस्ट नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर अनंत मोहन, ये समझना आपसे चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि अगर सिम्टम्स हैं और आरटीपीसीआर में भी आपका नहीं पता चल पा रहा है तो आप एक सीटी स्कैन के लिए जाइए, क्या ये सही है? सीटी स्कैन कितना मतलब किस तरह के संकेत देता है और क्या पूरी तरीके से वहां से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव केस है? देखिए, सीटी स्कैन का रोल अभी इस वक्त लिमिटेड ही है। मेनली तो हम लोग डिपेंड करते हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर, खांसी हो या गला खराब हो या जो सारे कॉमन सिम्टम्स हम सब जानते ही हैं, स्मेल या टेस्ट का सेंसेशन, बॉडी एक्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम यूजली टेस्ट पर जाते हैं और हम सीवियरिटी डिसाइड करते हैं सांस लेने की रफ्तार पे और ऑक्सीजन के सैचुरेशन पे, और ट्रीटमेंट भी इनके बेसिस पे डिसाइड होता है। एक्सरे और सीटी स्कैन की बात तब आती है कि आपको सिम्टम्स तो लग रहे हैं, आपको अगर कोविड आपका नेगेटिव है तो सीटी कराने से पहले ये सोचना चाहिए अगेन कि क्या टेस्टिंग ठीक से हुई, क्या सैंपल ठीक से लिया, ट्रांसपोर्ट ठीक से हुआ। और जैसे कि अभी बताया गया कि पॉजिटिव की कोरोना होने के बाद भी पीसीआर की सेंसिटिविटी 70% ही है, सो 25-30% हो सकता है एक्चुअली मिस भी हो जाए। इसमें एक ये भी करा जा सकता है कि टेस्ट को अगर सच में संकेत आपके सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग है तो आप टेस्ट को एक बार रिपीट करा सकते हैं 1-2 दिन के बाद, उस दौरान अपने आप को पूरा आइसोलेट रखिए। सीटी और एक्सरे का रोल तब आता है जब आपको मेनली सांस रिलेटेड सिम्टम्स ज्यादा हो, सांस लेने में दिक्कत शुरू होने लग जाए, खांसी आपकी बहुत ज्यादा हो जिसका कारण या बढ़ रही हो या आपको या आपका ऑक्सीजन कम होने लग जाए, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जब हाँ आप एक्सरे या सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ जबरदस्ती का सीटी स्कैन कराना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं होगा, और हम देख रहे हैं आजकल हो रहा है कि एकदम से सीटी स्कैन के सामने लाइन पे लाइन लगी जा रही है, फिर सीटी स्कैन में कुछ आ जाता है, छोटा मोटा आ जाता है, उसको लेके एकदम से और पैनिक फैल जाता है कि अब क्या करें, फिर थोड़े दिन बाद एक और सीटी स्कैन कराने की इच्छा होती है कि अब देखें कि कहीं वो बढ़ तो नहीं गया, अगर बढ़ गया तो फिर तीसरा सीटी स्कैन कराते हैं कि अब वो कम हुआ कि नहीं। तो ये विशेष साइकिल चला जा रहा है जिसका मैनेजमेंट और एक्चुअली रोल बहुत ही लिमिटेड है। डॉक्टर अनंत मोहन, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर नवीन डैंग और साथ में समीर भाटी जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। चर्चा हम कर रहे हैं कोरोना के टेस्ट्स पर और किस तरीके से परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। समीर भाटी जी, सीटी स्कैन के इस्तेमाल पर जो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले, सीटी स्कैन में क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है ऐसा जो आरटीपीसीआर की पकड़ में न आया हो और जिससे तस्दीक हो सके कि हाँ ये कोरोना पेशेंट है? जी, सबसे पहले तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर डैंग ने भी कहा कि अभी कुछ दिनों से जो बात चल रही है कि आरटीपीसीआर के बारे में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट उसमें आ रही है या फिर
कई बार चल रहा है इस तरह से बातें कि नया वाला म्यूटेंट उसके अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर डेंग ने भी जिसको क्लेरिफाई किया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। सीटी स्कैन बेसिकली डिजीज की सीवियरिटी को देखने के लिए करते हैं, ना कि हम उसका डायग्नोस बनाने के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह से डॉक्टर महाजन ने भी बताया कि टेस्ट को टाइम से लोग या तो बहुत ही जल्दी करा रहे हैं टेस्ट को, या फिर जब बहुत ज्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तब टेस्ट कराते हैं। सीटी स्कैन या जो इसके इंफ्लामेटरी मार्कर्स है उसके साथ जो ब्लड के टेस्ट है उनका काम होता है सीवियरिटी देखने के लिए। सीटी स्कैन के अंदर कुछ पैचेस का हमें पता लगता है कि निमोनाइटिस पेशेंट को है कि नहीं, जिसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिजीज में। पर अभी आप जिस तरह से आपने देखा होगा कि जैसे फॉल्स पॉजिटिव वाली, फॉल्स नेगेटिव वाली रिपोर्टों की बात करते हैं, तो नेक्स्ट डे आके सीटी स्कैन कराने के लिए जब पेशेंट रिक्वेस्ट करता है, उनको लगता है कि शायद सीटी स्कैन में मेरा कोविड का डायग्नोस हो जाए, पर कोविड के डायग्नोस के लिए नहीं करते, सीवियरिटी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि अगर सीटी स्कैन में वो स्पॉट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं? नहीं, बिल्कुल, वो उस तरफ इशारा करता है। अगर उसमें न्यूमेनाइटिस के पैच आ रहे हैं, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज उसके अंदर आ रही है, तो बिल्कुल उसके लिए आप उस तरफ ही इशारा जाएगा कि वो उसको कोविड ही है। और जिस तरह से कुछ कुछ स्टेट के अंदर इस चीज की गाइडलाइंस भी बना दी गई है कि जिनकी सिटी स्कैन आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो उनको फिर आगे फर्दर हॉस्पिटलाइज होना है, तो उनको किस बेसिस पे वो कंसीडर करेंगे, तो वो सिटी स्कैन की रिपोर्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं एज अ पॉजिटिव पेशेंट और उनको उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जिनको सिटी स्कैन की आवश्यकता है एक्चुअल में, अगर उन पेशेंट के लिए, तो फिर जो उस तरह से डायग्नोस्टिक सेंटर या अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे लोड है वो काफी हद तक कम हो सकता है। सेम जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट भी है, उसमें आप देखिए कि ऑलरेडी आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, प्री सर्जरी चाहिए, आपको ट्रैवलिंग के लिए भी चाहिए, पर उसमें काफी ज्यादा केसेस में क्या होता है कि पेशेंट ने आज कराया, नेगेटिव आ गया, फिर उसके बाद दो या तीन दिन बाद उसका रिपीट करना पड़ता है। और कई केसेस में ऐसे होता है अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पेशेंट बहुत एंग्जाइटी में होता है और वो पांच या छह दिन बाद फिर रिपीट करा लेता है तो फिर पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए सब कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है टेस्ट की, वो हमें फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से अननेसेसरली पेशेंट बिना डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट कराएंगे तो जो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनके ऊपर काफी प्रेशर आएगा, अतिरिक्त प्रेशर आएगा। डॉक्टर महाजन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूँ, सीटी स्कैन के बारे में जो कि हम बहुत कर रहे हैं। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि सीटी स्कैन हम इस्तेमाल नहीं करना है फॉर डायग्नोजिंग कोविड, वो ठीक है, बहुत थोड़ी ऐसे केस होंगे जहां आरटीपीसीआर नेगेटिव आया और सिम्टम चल रहे हैं, रिपोर्ट डिले हो रही है, आप सेकंड कराएंगे तो वो और आगे जाएगी, मरीज बेहाल है, ऐसे केस में सीटी स्कैन किया जा सकता है। और सीटी स्कैन में कोरोना के टिपिकल लक्षण दिखते हैं, जो लीजन्स दिखती हैं, जो खराबी दिखती है, वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि हाँ, ये क्लिनिकल पिक्चर में, ये पैंडेमिक सिचुएशन में, इवन इफ ये आरटीपीसीआर नेगेटिव है, पर हम कोरोना के साथ डील कर रहे हैं। पर जैसे डॉक्टर आनंद मोहन ने बहुत सही बताया कि सीटी स्कैन का मेन इस्तेमाल ऐसे केस में होना चाहिए जहां ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप कर जाए, और डिप करने के अलावा साथ में उसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी ऐसे हों, इंफ्लेमेटरी मार्कर बड़े हों, उसमें सीटी करेंगे तो हमें पता चल जाता है लंग की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, क्या ये 5% इन्वॉल्वमेंट है, 25% है, 50 है या 75 है, और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं। पर ये डॉक्टरों के लिए है, और देख हम क्या रहे हैं कि आदमी आरटीपीसीआर कराता है, वो नेगेटिव आ गया तब भी पहुंच जाएगा सीटी के लिए, पॉजिटिव आ गया तब भी पहुंच जाएगा सीटी के लिए, और कई बार क्या होता है जल्दी सीटी हो जाता है, सब कुछ क्लियर लगता है, तो हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि हमें तो अब लंग हमारे ठीक है, हमें कुछ होना नहीं, और आदमी एकदम अटेंशन देना बंद कर देता है। और इसमें क्या होता है, सातवें दिन, आठवें दिन, नवें दिन जब बीमारी बढ़ती है तो तब ये लगता है कि मेरा सीटी तो नॉर्मल था, ये कैसे हो गया। सो ये एकदम गलत है, सीटी एक इंडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है और इसको तभी करना चाहिए जब इसका इंडिकेशन है। हम इस देश में इसका बहुत ओवर यूज कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। आप याद रखिए कि इससे रेडिएशन भी मिलती है, और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं,
उनके ब्रेस्ट को रेडिएशन मिल रही है, तो अगर जरूरी है तब तो हम एकदम करेंगे, पर अगर जरूरी नहीं है तो इसको नहीं करना चाहिए, इसका नुकसान भी हो सकता है। यानी डॉक्टर की राय पर यहां पर भी हमें निर्भर रहना होगा। डॉक्टर डैंग ये समझाइए, चूंकि जो नए म्यूटेंट्स हैं, जो डबल म्यूटेंट है या ट्रिपल म्यूटेंट है, ये सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया क्या होती है, और अगर हम हिंदुस्तान में इस समय समझें इस नए तेजी से फैलते हुए वायरस को, तो क्या इस समय ये जो वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है, ये पिछले साल वाला वायरस बिल्कुल अलग था और ये बिल्कुल अलग है? क्या परिस्थिति है, सीक्वेंसिंग क्या है? ऐसा है कि जब हम आरटीपीसीआर करते हैं और जो पॉजिटिव आता है उसमें से 5% 5% केसेस जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं वो हम डिजिग्नेटेड लैब में भेजते हैं जहां पर की इसकी सीक्वेंसिंग करी जाती है। सीक्वेंसिंग में हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता चल जाता है, आरएनए की कॉम्पोजिशन क्या है। मैं लेमैन टर्म में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देखने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी लेमैन से, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। सिर्फ यही कहूंगा कि जो पिछली बारी एक साल पहले जो स्ट्रेन थे उसके बाद कई वेरियंट्स आ गए हैं, कई म्यूटेंट्स आ गए हैं, वेरियंट्स ऑफ कंसर्न जिसको हम कहते हैं वो आ गए हैं, जो कि आर बिहेविंग थोड़ा इन एटिपिकल मैनर, जैसे पहले साल वायरस था वैसे नहीं, थोड़ा डिफरेंट उसका बिहेवियर है, प्रेजेंटेशन पेशेंट्स के डिफरेंट है, उनके सिम्टम्स डिफरेंट है, और कई पेशेंट्स को ये इन्फेक्ट कर रहा है जो कि जिनको पहले भी इन्फेक्शन हो चुकी है। इसीलिए हमें आदेश दिया गया है कि प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए, जो पेशेंट्स जिनको पहले भी हुआ है और अब दोबारा हो रहा है उनके खासकर सैंपल दोबारा एनसीडीसी और अलग एनआईवी वगैरह एक्सेट्रा में भेजे जाए, जहां पर पता करा जाए कि ये वही वायरस है जो लास्ट ईयर था लेकिन ये वायरस अलग है। तो इस प्रकार से सीक्वेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पता करने के लिए और आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और अदर फर्दर वैक्सीनेशन के लिए, कि हमें पता चले कि एग्जैक्ट जीनोमिक सीक्वेंसिंग कैसी है। लेकिन इस समय बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा आपके सवाल से अलग जाते हुए एक रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल के माध्यम के थ्रू जो लोग देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर महाजन ने बोला कि प्लीज अननेसेसरी टेस्ट मत कराइएगा, हर लैब की एक कैपेसिटी है। जिस प्रकार एक ऑडिटोरियम में अगर सिर्फ 100 लोग बैठ सकते हैं तो 150 तो हम एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन 1000 हम एडजस्ट नहीं कर सकते। वही लोग टेस्ट कराए जिनको इनकी अति आवश्यकता है। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहूंगा, लोग कोरोना पॉजिटिव होने के एक एक महीने के बाद टेस्ट करा रहे हैं, जहां पर कि कई बारी पॉजिटिव आता है और वो समझते हैं कि अभी भी ये बीमार है। इसको डिस्क्राइब करा जा रहा है एज अ लॉन्ग वैगिंग टेल ऑफ आरएनए, यानी आरएनए की एक लंबी पूंछ। ये चर्चा कई फोरम्स में हो चुकी है कि ये सिर्फ डेड आरएनए फ्रैगमेंट्स हैं, जिससे कि ना ही पेशेंट को परेशानी होगी ना ही वो इन्फेक्टिव होगा, बट पेशेंट कैन कीप ऑन टेस्टिंग पॉजिटिव। अगर आपकी एक महीने के बाद भी पॉजिटिव आता है और इसकी सीटी वैल्यू बहुत हाई होती है तो हम कह सकते हैं सेफली कि पेशेंट इज नॉट इन्फेक्टिव और ना ही उसको खुद ही कुछ परेशानी होने वाली है और उसको इजिली इग्नोर किया जा सकता है। आज के लिए कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन होने के 2 या 3 हफ्ते के बाद आप अपने आप को आइसोलेशन से भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन विद फुल प्रिकॉशंस ऑफ कीपिंग सेम कोविड नॉर्म्स जो कि पहले हम अपने इस्तेमाल करते रहे हैं। जी डॉक्टर अनंत मोहन, यहाँ पर एक थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। आमतौर पर लोगों को कहा जाता है कि आप किन परिस्थितियों में टेस्टिंग कराते हैं, या तो आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे हो जो कोरोना पॉजिटिव है। एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स कई बार उस श्रेणी में आ जाते हैं, तो कैसे समझा जाए कि ये जरूरी है टेस्ट या नहीं है जरूरी टेस्ट, कौन जाए टेस्ट कराने, कैसे भार कम हो आरटीपीसीआर टेस्टिंग सेंटर्स पर? जिन पेशेंट्स को सिम्टम्स हैं, कंपैटिबल सिम्टम्स हैं इस डिजीज के, वो तो टेस्ट कराने जाएंगे ही क्योंकि सिम्टम्स आ चुके हैं। प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन उनके कोई क्लोज कॉन्टैक्ट फैमिली या वर्क प्लेस पे किसी को पॉजिटिव आ गया और इनको लगा कि हमारा उनसे कॉन्टैक्ट रहा था तो हमारा भी एट रिस्क है,
वो लोगों को थोड़ी परेशानी होती है ये समझने में कि हम टेस्ट कराएं कि नहीं और कराएं तो कब। पहली बात तो टेस्ट उनको कराना चाहिए जिनका हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हुआ है। हर एक कॉन्टैक्ट हाई रिस्क नहीं होता। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव बाई चांस आपके पास बैठा है, आपने और उसने दोनों ने मास्क लगाया हुआ है और कुछ ही एक दो मिनट का साथ में बैठने का टाइम ड्यूरेशन रहा, तो उसे हम हाई रिस्क कॉन्टैक्ट नहीं कहेंगे। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के भी वेल लेड डेफिनेशंस हैं कि कम से कम 10-15 मिनट का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3-4 फिट होना चाहिए, विदाउट वेयरिंग मास्क होना चाहिए। तो अगर इस तरह के कॉन्टैक्ट है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और फिर यस आपको अपने आप को क्वारंटाइन करना होगा और पांचवें दिन के बाद कभी भी आप जाके अपने आप को टेस्ट कराइए पहली बार, बहुत जल्दी तो ना कराएं। तो ये क्राइटेरिया है जिसमें आपको टेस्ट कराना है और इनमें से कई लोग, ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक ही होंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा रैशनलाइज कर सकते हैं कि एकदम से भगदड़ ना मचे सडनली टेस्ट कराने की और हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाए किसको जरूरी है किसको नहीं। डॉक्टर अनंत, एक छोटा सा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, वो हर्ड इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ, क्योंकि पिछले साल तक ये बहुत ज्यादा चर्चा में था शब्द। आज जब हम देख रहे हैं कि 3-4 लाख लोग संक्रमित एक एक दिन में होने वाले हैं, तो आज इस टर्म की क्या सिग्निफिकेंस रह गया है? देखिए, सिग्निफिकेंस यही है, हर्ड इम्यूनिटी तब होती है जब एक कम्युनिटी में कम से कम 50-60% लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, संक्रमित हो चुके होते हैं, और ये देखा जाता है कि फिर इम्यूनिटी लेवल उस एरिया का, ज्योग्राफिकल एरिया या पॉपुलेशन का इतना हो जाता है कि फिर वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहता इस तरह का। यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जो इन्फेक्शन अब दिख रहे हैं, हमको एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर ये जरूर है कि इनमें से कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी होंगे जो पिछले साल से अलग रहे होंगे, वायरस अलग रहा होगा, म्यूटेशन वगैरह थोड़े बहुत तो जरूर है। एग्जैक्टली कितने हैं ये हमको धीरे धीरे पता चल रहा है, 5%, 10%, 20% अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के, तो वायरस भी चेंज कर रहा है। इसीलिए अब इसका इतना सिग्निफिकेंस शायद नहीं रहा इस हर्ड इम्यूनिटी का, और इसमें इन्फेक्शन रीइन्फेक्शन भी हो रहे हैं, जिनको पिछले साल हुआ था उनको दोबारा भी हो रहा है। इट इज एंटिसिपेटेड कि शायद ये दूसरे वायरस से हो रहा हो, तो इसलिए मल्टीपल इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, जिनको वैक्सीन लगी उनमें से भी एक स्मॉल प्रोपोर्शन को इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो ये, और वैक्सीन 100% तो नहीं होती है, हम सब जानते हैं, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट शायद इस वक्त बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रखता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत मोहन, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर नवीन डैंग और समीर भाटी जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।